डियो hey another, another uh, यार आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ जो कि आई आई थिंक प्रॉबेबली आप लोगों को पता ही होगी लेकिन uh, इस ख़बर को सुनने के लिए मेरे जैसे या आपके जैसे लोग या इन जनरल गेमिंग कम्यूनिटी के लोग काफ़ी अर्से से वेट करते आ रहे हैं एंड फाइनली अलहमदिल्ला इस पाक महीने में हम लोगों को ये खबर मिल गई है एंड देट इज़ gpu prices finally niche are so, so make sure you watch the entire video and now without wasting any further time let's get into जीपीयू प्राइसिस आर फॉलोइंग ग्लोबली ऑल राइट तो यार ये सारे जो रीजन है मैं इनको बड़ा ही ब्रीफली कवर करूंगा मैं इनकी इतनी डिटेल के निर्णय जाऊंगा मैं सिर्फ ब्रीफली इस टॉपिक को कवर करने आया और मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता भाई रोजा रखा हुआ लगेगा ठीक है चुप करके बैठो सबसे पहला रीजन इस ग्लोबल शॉर्टेज का यह था कि इतने ज्यादा जीपीयू मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे थे जितने ज्यादा की हमारी डिमांड थी इन लॉकडाउन के दो सालों में आपके गेमिंग पीसी इतनी तेजी से बिके हैं जितने तेजी से हमारी करंट गवर्नमेंट के एम एन एज भी नहीं बिक रहे आजकल और अगर आने वाले वक्तों में मेरी वीडियोस आना बंद हो जाएं तो समझ आना कि मैं इनकंसिस्टेंट नहीं हुआ बल्कि मुझे कोई काली विगो उठाकर ले गई है एनीवेज यार क्योंकि हमारी जीपी प्रोडक्शन इतनी थोड़ी थी हमारी सिलिकॉन प्रोडक्शन इतनी थोड़ी थी तो ऑब्वियसली डिमांड को ना मीट करने की वजह से जीपीयू की प्राइसेस के अंदर हाइक आया था अब क्योंकि सिलिकॉन भी सफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रही है और कॉन्सिक्वेंटली हमारे जीपीयूज भी एक अच्छे रेट के ऊपर बनना शुरू हो गए हैं तो डेफिनेटली हमारी डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास इतना स्टॉक है कि प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद नीचे आ रही है लेकिन इसी के साथ आता है हमारा फैक्टर नंबर टू और वो ये है कि दुनिया अब वापस अपने नॉर्मल स्टेट के ऊपर चलना शुरू होगा गई है अब हर कोई पर मेरी तरह वेला नहीं बैठा होता किसी को यूनिवर्सिटी जाना है किसी को जॉब पर जाना है बच्चों को भी आजकल छुट्टी नहीं है तो वो अपने स्कूलों में घुस तो इन सारी चीजों के बाद मार्केट में कस्टमर की जो एक फ्रीक्वेंसी थी ना वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है अब होता यह है कि जीपीयूस तो बिल्कुल एक स्टेबल रेट के ऊपर मैन्युफेक्चर हो रहे हैं और आगे से आगे प्रोवाइड किए जा रहे हैं लेकिन जब मार्केट में कस्टमर ही नहीं है और डिमांड ही नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आपको इतनी ज्यादा जो आपकी बैकिंग के ऊपर स्टॉक पड़ा हुआ है उसको खत्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा फर्दर मोर एक रीजन ये भी होता था कि भाई अब लॉकडाउन लग गया है या अब इम्पोर्ट नहीं की जा रही अब उस मुल्क ने अपनी एक्सपोर्ट बंद कर दी है तो अब आकर जबकि यू नो वैक्सीनेशन हर जगह होना शुरू हो गई है और कोविड का रेट भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे से नीचे आता जा रहा है तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अब उस तरह की लिमिटेशन नहीं लग रही तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो लॉजिस्टिकल इशूज हो रहे थे वो अब लोगों को फेस करना नहीं पड़ रहे मूविंग ऑन एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर जिसकी वजह से इन प्राइसेस के अंदर रिड्यूस आया है वो ये है कि माइनिंग का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मिट्टी के अंदर कबर में चला गया है अलहमद माइनिंग इज नो मोर इथेरियम की माइनिंग आई मीन आज भी हो रही है लेकिन अब वो उस तरह से प्रॉफिटेबल नहीं है आज से साल पहले या दो साल पहले अगर कोई बंदा अपने माइनिंग रिक के अंदर दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख इन्वेस्ट करता था तो उसको पता था कि वह बड़े ही आसानी से अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर लेगा और उसके बावजूद भी जो उसने पी बनाया है वो अपनी अमाउंट रिटेन करेगी तो ये जो पच्चीस दिन में पैसा डबल करने वाला प्लान था

लाजमी नहीं है अब देखो भाई बात बड़ी सिंपल सी है हम रहते हैं पाकिस्तान में और यहाँ पर अगर आपके मुंह को एक दफ़ा खून लग जाए ना तो फिर वो जाता नहीं है एक ज़माने में कोको मुँह आपको पाँच रुपए की मिलती थी लेकिन अब आप दस रुपए की भी लेने जाओ तो उसके अंदर से सिर्फ कोई दो तीन दाने निकलते हैं जिसमें से एक में तो चॉकलेट होती भी नहीं है तो बिल्कुल उसी तरह ये जो जी के हमारे पास यहाँ पे जॉन्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं और सेलर्स बैठे हुए हैं नाम लेने का बहुत दिल कर रहा है मेरा लेकिन कोई बात नहीं कोई बात नहीं कभी किसी और वीडियो में ले लेंगे बट देखो द पॉइंट इज़ के आ, इन लोगों को पता है कि मार्केट डिस्टेबलाइज हमने कर दी थी और हम कर सकते हैं और इनके पास उसको करने के बहुत सारे टैक्टिक्स भी होते हैं जो आई गेट इन टू दैट लेकिन आ, देखो दे डू नॉट वांट के प्राइस वापस उस तरीके से नीचे आए क्योंकि एक बंदा अगर नब्बे हजार का जीपीयू इंपोर्ट करके उसको एक लाख साठ हजार का बेच रहा है और प्रॉफिट उठा रहा है उसको किस कुत्ते ने काटा है कि वो कहेगा कि नहीं नहीं मैं इसको पचानवे का बेच दूंगा या चले अगर मुझे अभी अस्सी का मिल रहा है तो मैं इसको एक साठ से ड्रॉप करके एक दस पे दूंगा ही विल नॉट डू दैट या दे विल नॉट डू दैट और वो यही चाह रहे हैं कि हमारी कॉस्टिंग मजीद नीचे आती रहे लेकिन हमारी प्राइस हम उधर ही रखें उसको हमने नहीं छेड़ना वो हमने रख के छोड़ दी भूल गए हम उसको वो ऊपर जा सकती है पर वो नीचे नहीं आ सकती और फिर माइनर्स को यहां पर माइनर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि उस टाइम पर माइनर को जीपीयू बड़ी अशद जरूरत थी और वो कुछ भी पे करने को तैयार थे जीपीयूस लेने के लिए तो फिर ये लोग जीपीयूस को नीचे से और अंडरग्राउंड टनल से निकाल कर डायरेक्टली माइनर्स को भेजते थे दूसरा यार यहाँ पे ये सीन था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब पता लगा कि यार देखो हम जो जी पी लाख का मंगवा रहे हैं और वो सेलर जो है उसको बेच रहे एक लाख पचास हजार का तो हम खुद ही उसको एक लाख पचास का क्यों ना बेच लें यहां पर आता है मार्केट के अंदर एक इतना अनएथिकल ट्रेंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो खुद ही अब रीसेलर भी बन गए आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए जीपीयूस को कम प्राइस के अंदर इंपोर्ट किया और फिर उसके खुद ही सेलर बन के उसको इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर आप ऑडियंस में बेच रहे हैं ऑडियंस में नहीं आप माइनर्स को बेच रहे हैं क्या 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 बंदा इसके ऊपर क्या कहे और उसके बाद सबसे बड़ी हिपोक्रिसी ये है कि वही सेलर्स जो एक लाख का जीपीयू यू खरीद कर उसको डेढ़ लाख का बेचते थे अब मार्केट के अंदर आकर रोना डाल रहे हैं कि यार जी देखें जी हमें तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं तो अल्लाह के बंदो जब तुम्हें लाख की चीज मिल रही थी तुमने क्यों इंसान का बच्चा बन के उसको एक लाख दस चलो एक लाख बीस कर लो यार इससे ज्यादा क्या प्रॉफिट कमाओगे किधर लेके जाओगे कब्रों में मैं पर्सनली बड़ा खुश हुआ था जब मुझे नजर आया कि अच्छा भाई डिस्ट्रीब्यूटर अब खुद ही ये काम करना शुरू तो कर दिए लेकिन देखो एट दी एंड ये नुकसान आपका था मेरा था इस कम्युनिटी का था तो ऑफ़कोर्स वो हरकत तो गलत थी पर इन लोगों के साथ हुआ सही था खैर अब यही डिस्ट्रीब्यूटर्स और यही रीसेलर्स क्या ग्लोबली प्राइसेस के कम होने की वजह से उनको एकदम से नीचे ले आएंगे हर गेज़ नहीं ये उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके कि चलो अभी पाँच हज़ार कम कर दो अब दस हज़ार कम कर दो किसी तरह बस अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ ये रख सकें कि अच्छा यहाँ पे अगर अल्लाह करे मार्केट स्टेबलाइज हो जाए तो हमारा पोटेंशियल जो है प्रॉफिट का वो इतना ज़्यादा ही रहेगा ये कभी भी इसको यहाँ से एकदम से यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट के प्राइसेस अभी अगर कम हो रही हैं तो एकदम से अगले महीने ग्लोबली पैंतीस परसेंट रिडक्शन आती है तो यहाँ पर भी एकदम से पैंतीस परसेंट आ जाएगी ऐसा नहीं होगा और प्लीज़ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जी को मत खरीदें इन लोगों को वो मौका ना दें कि यह मार्केट को एक जगह के ऊपर लाकर स्टेबलाइज कर दें और फिर कहेंगे भाई अब तो इतने पर ही जी बिकेगा हमेशा से यही होता आया है पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस सिर्फ जी पी की नहीं आप ओवरऑल किसी भी चीज़ की देख लो ग्लोबल इकॉनमी फ़िक्स हो जाती है लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी फिक्स नहीं होती ये कर्ज है हमारी कॉम के ऊपर हमारे दिमागों के ऊपर कि हम लोग इस तरह से हर बंदे के साथ फरेब करते हैं और ये होता रहेगा यार मैं कोई दूध का धुला नहीं या मैंने चिट्टी शर्ट पहनी हुई या अंदर से दिल मेरा भी काला होगा यार देर जस्ट देर सो मच स्टफ मैं अगर आपको भी एक और स्टोरी बताऊँ तो शायद आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे आई थिंक यू ऑल नो अबाउट पी राइट पाकिस्तान

अगर जीपी यू के एडमिन जो कि मेरे जितने लोग हैं आपके जितने लोग हैं अगर वो इतनी कम प्राइस के ऊपर एक जीपी यू कहीं से लेकर आ सकते हैं तो यू बींग डिस्ट्रीब्यूटर कैन डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली डू दैट अब होता यह है कि ग्लोबली जब प्राइस रिड्यूस होती है तो कुछ सेलर्स और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने पुराना स्टॉक इतना भर के यहाँ पे अलमारी के अंदर स्टॉक किया हुआ है उनको नजर आता है कि ओ शेट अब हम क्या करेंगे प्राइसिस तो रिड्यूस हो गई दे लिटरली स्टार्टेड टू प्रेशराइज देम और ये लोग उनको थ्रेट करते रहे कि भाई हम आपके साथ

कोर्स आई एम स्टिल कि पीपीजी ने ये प्राइस को कम नहीं किया लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो ये जो शेडी प्रैक्टिसेस है ना कुछ कुछ मैं सबकी बात नहीं कर रहा कुछ सेलर्स की और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की इसको डेफिनेटली ये वेव्स और इस तरह के एक्ट्स वगैरह कम करते हैं खैर एज अ सेट बिफोर के हम में से भी कोई दूध का धुला नहीं होता यार मैं क्या बैठ के सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बातें कर रहा हूं अगर हम एज अ कम्युनिटी अपनी भी बात करें तो हम जाकर जी खरीदना चाहते हैं एक लाख का लेकिन पुराने जी को हम बेचेंगे एक लाख बीस का उसकी प्राइस हम कम नहीं करते उसके लिए हम यही सोचते हैं कि यार देखें मैंने तो अस्सी का लिया था अब तो प्राइस ऊपर हुई थी तो ये नाइन्टी का तो जाना चाहिए जब आप ख़ुद वो चेंज नहीं लेकर आना चाह रहे हैं, तो फिर आप एक सेलर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ये हिपोक्रेसी आप में भी है ये मेरे में भी है ये इस पूरी कम्युनिटी के अंदर है एंड आई एम वेरी सॉरी आई एम आई एम रियली वेरी सॉरी मुझे ये हालात बेहतर होते नज़र नहीं आते अगर इस तरह ही सब कुछ चलता रहेगा अगर आप और मैं और ये सेलर्स और ये डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते रहेंगे तो ये चीज़ बेहतर नहीं होगी आप जो मर्जी कर लें पूरी दुनिया के अंदर अगर प्राइस एम के ऊपर भी आ जाती है यहां पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा इन्हीं सब वजूहत की बेसिस के ऊपर मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज डू नॉट बाय अ जीपीयू एट दिस टाइम आपको कोई जरूरत नहीं है और तौर पे जो लोग प्री ऑर्डर के अंदर अपने जीपीयू बुक कर रहे हैं उनके लिए तो इट्स अ हंड्रेड नो गो प्री ऑर्डर के नाम पर कम्युनिटी के अंदर जितने स्कैम हुए हैं शायद ही कभी हिस्ट्री में हुए होंगे आपके पैसे को यूज़ करके इन्वेस्ट करके पैसा बना के आपको वेट करा के आपको चीज़ें मिलती भी नहीं है बाद में आई सीरियसली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट लेकिन प्लीज़ प्री ऑर्डर मत करें अगर आप आज की डेट के अंदर भी जी एक मंगवा लेते हैं और वो आपको तीन महीने बाद मिलता है कोई पता नहीं है कि तीन महीने बाद प्राइसेस शायद बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएं शायद ऊपर चले जाएं बेनिफिट भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है लेकिन फिलहाल ज़्यादा चांसेस आपके नुकसान के लग रहे हैं सो आई विल रिकमेंड यू गाइस के प्री ऑर्डर उसको बिल्कुल ही खत्म कर दो जिन्होंने कर दिया है अब अब कर लो उसको अब आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन आने वाले वक्तों में डोंट फॉल फॉर द प्री ऑर्डर ट्रैप उसके अलावा अगर आप वेट कर सकते हो तो आई विल हाईली हाईली रिकमेंड कि आप नवम्बर या दिसंबर तक का वेट कर लो न्यू जी लाइन बस बस आने वाली हैं बिल्कुल यहाँ पर ये अगली गली में खड़ी हुई हैं और एक दफ़ा ये लाइनअप आती हैं तो ओवरऑल पूरी जो हया की है जी की उनकी प्राइसेस के अंदर आपको सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स लाजमी मिलेंगे और एटलीस्ट अगर ड्रॉप ना मिले तो जितनी प्राइस के ऊपर आपने एक 3060 या 3080 खरीदना था आपको उतनी ही प्राइस के अंदर उससे स्लाइटली ज्यादा प्राइस के ऊपर एक न्यूअर आर्किटेक्चर वाला जीपीयू मिल जाएगा जो कि मच बेटर परफॉर्म करेगा फर्दर मोर अभी जो जीपीयू की प्राइसेस के अंदर रिडक्शन आई हुई हैं ये यहां पर रुकने नहीं वाली आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल प्राइसेस ये अभी मजीद यहाँ से फर्दर ड्रॉप जरूर करेंगी और प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है कि वो एम एस आर पी के एज ग्लोब

कि ये कम्युनिटी एक एक इम्प्रूव पाथ की तरफ जाती है और हम लोगों को बहुत जल्दी बेनिफिट होता नज़र आएगा आपका भी मेरा भी हम सब का इन सेलर्स का भी इन डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर एवरी वन और आज के लिए इतना ही डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको इन व्यूज़ का और मेरे ओपिनियन के बारे में क्या लगता है आप क्या समझते हैं जाके आप मेरी बेजती भी कर सकते हैं और आई नो के कुछ सेलर्स आके मुझे फेक अकाउंट से गालियाँ भी लिख रहे होंगे तो इट्स टोटली फाइन कोई मसले वाली बात नहीं है थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो आई विल सी यू गाइज़ वेरी सून इन द नेक्स्ट वंथ तब तक stay at home stay safe take care and vote for your favorite politician love is <laughs> <Allah Hafiz. laughs>